बात एक और बड़ी खबर की करेंगे। जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव से दो दिन पहले श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बल पर हमला किया है, जिसमें दो जवान शहीद हो गए। यह हमला श्रीनगर के एचएमटी इलाके में किया गया। आतंकवादियों ने शरीफाबाद में श्रीनगर बारामूला हाईवे पर एक पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। खबरों के मुताबिक तीन आतंकियों ने पेट्रोलिंग पार्टी पर लगातार फायरिंग की, जिसमें दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि हमले के बाद आतंकी कार से भाग गए। कुछ दिन पहले ही नगरोटा में सेना और सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के चार आतंकियों को मार गिराया था। इधर श्रीनगर में आतंकी हमले के बाद सेना और सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। आर्मी के जवान आज रूटीन ड्यूटी पर थे, आरोपी ड्यूटी पर थे। तीन मिलिटेंट कम्बैट ड्रेस में आए और तीनों जवान अंधाधुंध फायरिंग शुरू किए, जिसमें हमारे दो जवान बहुत क्रिटिकल इंजर हो गए। बाद में रिपोर्टेडली बता रहे हैं लोग शहीद हो गए और एक्सपर्ट यहाँ के सीसी जितने भी फुटेज है उन्होंने ले रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके ट्रैक कर लेंगे। मूवमेंट के हिसाब से यहाँ हो सकता है कि रियलिटी या जेएस का मूवमेंट यहाँ पर है। हम लोग इसको आइडेंटिफाई शाम तक कर लेंगे कौन सा ग्रुप है।